अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन. आर टुडेज लेक्चर इज अबाउट सब्जेक्ट साइंस क्लास 6 चैप्टर नंबर 1 सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. आज हम पढ़ेंगे डिफरेंसेस बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल सेल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्सेट्रा आर प्रेजेंट बोथ इन प्लांट एंड एनिमल सेल, बट देयर आर सम डिफरेंसेस. हम इनके दरमियान कुछ डिफरेंसेस को डिस्कस करेंगे. प्लांट सेल, एनिमल सेल, सेल वॉल इज प्रेजेंट, सेल वॉल इज एब्सेंट. माइक्रोस्कोपिक पिक्चर आपको दिखाई गई है प्लांट सेल और एनिमल सेल की. प्लांट सेल में सेल वॉल पाई जाती है जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है. न्यूक्लियस, न्यूक्लियस लाइज नियर द साइड ऑफ द सेल वॉल बिकॉज अ लार्ज वैक्यूल. प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो एक साइड पर वाक्य होता है क्योंकि इस सेल का वैक्यूल बहुत बड़ा होता है. न्यूक्लियस लाइज इन द सेंटर ऑफ द सेल. एनिमल सेल में न्यूक्लियस सेंटर में पाया जाता है. नंबर 3, सिंगल लार्ज वैक्यूल इज प्रेजेंट. प्लांट सेल में सिर्फ एक ही बड़ा वैक्यूल मौजूद होता है जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं. नंबर 3, मैनी स्मॉल वैक्यूल्स आर प्रेजेंट. एनिमल सेल में बहुत से छोटे छोटे स्मॉल वैक्यूल्स पाए जाते हैं. क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट. प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है. क्लोरोप्लास्ट आर एब्सेंट. एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता. सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट. प्लांट सेल में सेंट्रियोल्स एब्सेंट होती हैं. सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट. एनिमल सेल में सेंट्रियोल्स पाई जाती हैं. इफ यू आस्क एनी क्वेश्चन अबाउट दिस लेक्चर यू कैन ज्वाइन इट्स व्हाट्सएप ग्रुप. प्रेस द बेल आइकन, लाइक, कमेंट एंड शेयर. थैंक यू.